लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट मार्क्स डिफरेंट स्टूडेंट्स या डिफरेंट सब्जेक्ट्स. यहाँ पे कुछ मार्क्स टाइप किए हुए, इन्हें नाम दे देते हैं हम. दीज आर द मार्क्स एंड वी नीड द टोटल काउंटिंग ऑफ दीज मार्क्स. मल्टीपल स्टूडेंट्स का भी डेटा आप ले सकते हैं. टोटल मैं नीचे लिख देती हूँ. इन सब का मुझे टोटलिंग करना है, तो ये ऐसे ही टोटलिंग करना रैंडमली पॉसिबल उतना नहीं होता है, ज़्यादा जब बच्चे होते हैं. तो यहाँ पर एक अगर आप सैम्पल देख लेंगे, इस टाइप से आप और टोटलिंग कर सकते हैं. तो टोटल करके देखते हैं. यहाँ पे टोटल इज जस्ट द सम ऑफ ऑल द मार्क्स. हम देखते हैं सम का कैसे करते फॉर्मूला जो हैं. एक्सेल का है वो है इज इक्वल्स टू, हम टाइप करेंगे, देन वी विल राइट सम इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन. अभी आपको खुद ही रेकमेंड कर रहा है कि आप जो भी नंबर लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए. जैसे मैं यहाँ एक के नीचे एक सारे पे माउस से क्लिक करते जा रही हूँ जितने मुझे टोटल करने हैं. तो ये कौन से नंबर्स हैं हम चेक करते हैं. ए वाले कॉलम में है A2, देन A3, ए कॉलम का ही सेकेंड रो, ए कॉलम का ही थर्ड रो, ऐसा करते हुए ए कॉलम का 11th रो. और इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया हमने, तो सारा टोटल आ गया है हमारे पास. सो दिस इज़ द टोटल ऑफ दीज मार्क्स. इस तरीके से आप जिस भी सेल को सिलेक्ट करेंगे वो स्पेसिफिक सेल का ये टोटल दे देगा. सो ये सारे मार्क्स का टोटल 1664 दिया है मुझे एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट. फॉर्मूला बहुत ईजी है. इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो भी नंबर्स आप लेना चाहते हैं उस पर आप माउस से क्लिक कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज. सो दिस वॉज द सम. नेक्स्ट हम देखते हैं इन सब मार्क्स का एवरेज कैसे निकालेंगे हम. एवरेज होता है जितने भी मार्क्स है उसे हम डिवाइड करेंगे उतने ही नंबर से, तो एवरेज निकल जाएगा. तो एवरेज का फॉर्मूला हम देख लेते हैं. इज़ इक्वल्स टू के बाद हम टाइप करेंगे AVERAGE एवरेज. यहाँ हमें एवरेज वर्ड पूरा टाइप करना है, जैसे हमने सम में सिर्फ SUM किए थे समेशन में. तो एवरेज टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन. अब जितने भी नंबर्स में से मुझे एवरेज निकालना है, तो यहाँ मैं सारे नंबर्स ले लेती हूँ जितने भी नंबर्स हैं यहाँ एक के नीचे एक. ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम. B2 से लेकर है B11 तक के, बी कॉलम में 11 तक के इसने पूरे लिया है. और एंटर क्लिक करते से हो जाएगा 166 एवरेज निकला इन सब का. तो इस तरीके से हम जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तब भी हम ये चीज़ यूज़ करके इसे मार्क्स का सम या फिर एवरेज ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.